सर ये अंग्रेजी में है, मैंने परमिशन लिया है हिंदी में बोलने का। सर मेरा जो लोकसभा है देवघर, वो पर्यटन मंत्रालय ने उसको एक महत्वपूर्ण शहर के तौर पर इंक्लूड किया है अपने लिस्ट में, और धार्मिक और पर्यटक दृष्टि से वो इतना महत्वपूर्ण है कि 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग में से जो जगह है वो सब देवघर है, इसीलिए उसको मनोकामना लिंग कहते हैं। प्रत्येक साल वहां 5 करोड़ लोग जाते हैं दर्शन को, और इस कारण से ये पूरे ईस्टर्न इंडिया का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। मैं आपके माध्यम से स्पीकर सर, इस सदन से और मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासकर रक्षा मंत्री जी से, कि वहां एक स्ट्रेटेजिक डीआरडीओ का सेंटर है, और उस सेंटर को बचाने के लिए मिलिट्री स्टेशन की जो है सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मेरा पहला डिमांड यह है कि देवघर में मिलिट्री स्टेशन हो। दूसरा यह सवाल है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण, चूंकि डीआरडीओ का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो एक डीआरडीओ का लैब देवघर में हो। तीसरा, वहां के लोगों को रोजगार नहीं है तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्थापित करे। चौथा, नहीं नहीं रीड ही कर रहा हूं, चौथा ये सब पॉइंट है सर, रीडिंग सर। चौथा, वहां सैनिक स्कूल सैंक्शन है गोड्डा में सर, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, वो सैनिक स्कूल जो है वो चालू हो जाए। और पांचवा, वहां डिफेंस रिक्रूटमेंट सेंटर होने की बात चली थी मनोहर पर्रिकर साहब जब रक्षा मंत्री थे, नहीं अभी काफी है सर। आपको पता है सर कि मेरा जो इलाका है अब वो नक्सलवाद और आतंकवाद से ग्रसित है, और उस नक्सलवाद और आतंकवाद के कारण वहां के जो लोग हैं वो विस्थापन, पलायन और इस देश के खिलाफ सोचने को मजबूर हो रहे हैं। जो मेरा इलाका संथाल पड़ना है वो एक क्रूरतापूर्ण स्थिति में खड़ा है, जहां के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। यदि मैं अंग्रेजी में पढ़ूं, नॉट ओनली बीन सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज बट ऑल्सो क्रुएल्टी एक्सप्लॉयटेड एंड डिस्पोज, झारखंड गवर्नमेंट इज मोर देन विलिंग टू एक्सटेंड ए हेल्पिंग हैंड फॉर द एवर मेंशन प्रोजेक्ट। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये सारे प्रोजेक्ट को जो है जल्दी से पूरा करें।